हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली माइंड मैप डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम अपने इस सीरीज में यूपीएससी सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक माइंड मैप का डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे वो जीएस पेपर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो या फिर 4 का हो। आज हम अपने डिस्कशन में जीएस पेपर 2 के समानता के अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच लिखा गया है, उसके माइंड मैप का डिस्कशन करेंगे। माइंड मैप आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। इसके माध्यम से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, आपको लंबे समय तक संबंधित टॉपिक को याद रखने में आसानी होगी। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन में समानता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के बीच लिखा गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 का, तो इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। कानून के समक्ष समानता कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के लिए समानता उपलब्ध कराने के मामले में राज्य इनकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उपलब्ध समानता का अधिकार सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो या फिर भारत का नागरिक हो। किसके समक्ष समानता? कानून के समक्ष समानता। साथ ही इसी के अंतर्गत इस बात को भी वर्णित किया गया है कि कानून के अंतर्गत सभी लोगों को समान संरक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 का, तो यहां भेदभाव पे निषेध की बात की गई है। मतलब राज्य लोगों को सेवा उपलब्ध कराने के मामले में भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? जाति, रंग, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। ध्यान रखेंगे, आवास यानी कि जिस स्थान पर व्यक्ति निवास करता है उसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर वर्णन नहीं की गई है। केवल 5 आधार दिए गए हैं, आप इन आधारों को याद रखेंगे। नहीं किया जाएगा यानी कि रोक नहीं लगाया जाएगा। किस क्षेत्र में रोक नहीं लगाई जाएगी? किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुकान में जाने से नहीं रोका जा सकता। किसी भी सार्वजनिक स्थल के उपयोग करने से व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। किसी भी होटल का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता। साथ ही सार्वजनिक मनोरंजन इत्यादि स्थलों को उपयोग करने से भी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। राज्य सारी चीजों की उपलब्धता के लिए व्यवस्था करेगा। हालांकि कुछ अपवादों की बात भी की गई है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ही। उन विशेष बातों में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। किस आधार पर? सामाजिक और आर्थिक आधार पर। जो लोग सामाजिक आधार पर और आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता। बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान किया जा सकता है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ही। हालांकि यहां पर सभी लोगों को समानता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? यह कहता है अवसर की समानता। किन लोगों के लिए अवसर की समानता? सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए। यानी कि किस क्षेत्र में अवसर की समानता उपलब्ध कराई जाएगी? रोजगार के क्षेत्र में। रोजगार के क्षेत्र में लोगों का भेदभाव नहीं किया जा सकता। किस आधार पर? जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म के आधार पर। रोजगार के मामले में भी निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है और किया जाता है, आप जान रहे हैं। इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी कि पिछड़े हुए वर्ग के उत्थान के लिए कुछ अलग सा प्रावधान किया जा सकता है और इसी के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। कुछ प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, यानी कि कोई धार्मिक संस्थान है, जैसे कि जो हिंदू या मुसलमानों से संबंधित बहुत सारे ऐसे धार्मिक संस्थाने हैं, यदि उन धार्मिक संस्थानों में संबंधित धर्म का व्यक्ति को ही कोई अपॉइंट किया जाता है, तो राज्य इस चीज पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? ये सभी प्रकार के छुआछूत, सभी प्रकार के अस्पृश्यता को रोकने की बात करता है, उसके उन्मूलन की बात करता है। किस चीज के मामले में छुआछूत नहीं किया जा सकता है? खाना पीना के मामले में, उठना बैठना के मामले में, बातचीत करने के मामले में या फिर
पानी पीने के मामले में किसी भी प्रकार का छुआछूत भारत में नहीं किया जाएगा। यदि कोई करता है तो क्या होगा, उसके लिए दंडनीय अपराध का प्रावधान किया गया है। किसके अनुसार? कानून के अनुसार। आप याद रखेंगे अनुच्छेद 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सभी प्रकार के उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। मतलब राज्य किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भारत का नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक हो, कोई भी उपाधि नहीं देगा। किस प्रकार की उपाधि? राय बहादुर, सम्राट, महाराजा, महाराजा धीराज इत्यादि उपाधि नहीं दिया जाएगा। हालांकि फिर से कुछ अपवादों की बात की गई है। शिक्षा के मामले में दिया जा सकता है, जब कोई व्यक्ति पीएचडी कर लेता है तो उसको डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। सेना के मामले में भी बहुत सारी उपाधियां दी जाती हैं, आप जान रहे हैं। साथ ही कुछ और बातों को भी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत वर्णित किया गया है, इनको आपको याद रखना है। क्या? कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति है जो भारत सरकार के अंतर्गत सेवा के पद पर है, तो वो व्यक्ति विदेशी सरकारों से किसी भी मामले में ना तो कोई उपाधि लेगा ना तो कोई उपहार लेगा। इसका वर्णन भी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही किया गया है। अनुच्छेद 18 में ही इस बात को लिखा गया है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति है और भारत सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी बिना राष्ट्रपति के अनुमति के किसी भी विदेशी सरकार से पुरस्कार या फिर उपाधि लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, आपसे हमारा विनती है कि आप इस माइंड मैप को लिख लें ताकि आपको रिविजन करने में आसानी होगी। 5 से 6 मिनट में आसानी से आप पूरे के पूरे मैप के माध्यम से अनुच्छेद 14 से 18 के बीच सारी विशेषताओं को याद रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन में यही रोकेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम निश्चित रूप से अपने नेक्स्ट वीडियो जिसमें माइंड मैप डिस्कशन करेंगे लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।